हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चिल्ली का अचार। इसे बनाना काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल भी है। तो चलिए बनाते हैं ग्रीन चिल्ली का अचार। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले 100 ग्राम ग्रीन चिल्ली, जिसको मैंने अच्छी तरह पानी में धो लिया है और कॉटन से अच्छी तरह पोंछ लिया है ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। जीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, येल्लो सरसों लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, मेथी लिया है 1 स्मॉल टेबल स्पून, सौंफ लिया है मैंने 1 टेबल स्पून स्मॉल, हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 स्मॉल टेबल स्पून, मंगरेला मैंने लिया है 1/2 स्मॉल टेबल स्पून, अजवाइन लिया है मैंने 1/2 स्मॉल टेबल स्पून, हींग 2 चुटकी, मस्टर्ड ऑयल 25 ग्राम और नमक अपने स्वाद अनुसार। अब हम इन मिर्चों का डंठल निकाल देंगे और इसे चाकू से बीच में ऐसे काट लेंगे और इसे एक हमें बॉल में रख देंगे। इसका भी डंठल निकाल देंगे और इसे भी चाकू से बीच में ऐसा काट लेंगे और इसे बॉल में रख देंगे। और इसी तरह हमने सारा मिर्च काट लिया है और एक बॉल में रख लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और एक पैन को गर्म कर लेंगे। इसमें हम सरसों डाल देंगे, मेथी और जीरा और इसे एक मिनट तक मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एक मिनट हो चुका है, अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब हम फिर से गैस को ऑन करेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। इसमें हम ऑयल डाल देंगे और इसे धुआं आने तक गर्म करेंगे। ऑयल में धुआं आ चुका है और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तब तक हम मसालों को एक बड़ा बॉल में ले लेंगे। हींग, हल्दी और नमक और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम मिर्चा को डाल देंगे और इन मसालों को हम हाथों से मिर्चा के अंदर थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट अंदर तक जा पाए। इस तरह सारे मिर्चों में हम मसाला डाल देंगे अंदर। तरह सारे मिर्चों में मैंने मसाला डाल दिया है और अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। ये ठंडा हो चुका है अच्छी तरह। अब इसमें हम सौंफ को डाल देते हैं, अजवाइन को और मंगरेला को और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं ऑयल में। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और इसे हम
अपने अचार में हम डाल देते हैं चारों तरफ फैला के। और हम ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अचार में। ग्रीन चिल्ली का अचार बनके रेडी है। इसे एक जार में निकाल लें और 2 से 3 दिन इसे धूप में डाल दें। मेरा ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।